शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। गोपाल, अब तुमने हमारा योगदान स्वीकार करना सीख लिया है, इसलिए तुम्हारे सारे कार्य शीघ्र होंगे और तुम हमारी सहायता से जो भी करोगे उसमें तुम सदैव सफल रहोगे। गोपी, ये कहकर तुमने मेरे हृदय का भार कम कर दिया। राधा, तुम्हारी सहायता से ये बात तो तय हो गई कि हमें इंद्रदेव की पूजा नहीं करनी चाहिए, पर हमें ये तो बताओ कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। कौन होगा हमारा देव, कौन होगा हमारा ब्रजमंडल का देवता? गोपाल, अब तुम हमारी ओर क्या देख रहे हो? नंद काका को उनके प्रश्न का उत्तर दो। पर गोपी, प्रश्न तो बाबा ने तुमसे पूछा है ना, हम तो जानते हैं, पर हम तुम्हें एक अवसर देना चाहते हैं सभी ब्रजवासियों के समक्ष अपनी विद्वता सिद्ध करने का। फिर मत कहना कि राधा, तुमने तो हमें अवसर ही नहीं दिया। गोपी, तुम किसी को बोलने का अवसर दो और वो चुप जाए, ये उचित नहीं होगा। इसलिए तो हम कह रहे हैं, बताओ ब्रजवासियों को किसकी पूजा करनी चाहिए? बाबा, हमें पूजा उसकी करनी चाहिए जिसका हमारे जीवन में अमूल्य योगदान हो, जिससे हमें फल, फूल, अन्न, औषधि और वनस्पति प्राप्त हो रही हो, जिससे हमारी गायों का पालन हो रहा है। तुम किसकी बात कर रहे हो कान्हा? ऐसा कौन है जिसका हमारे जीवन में इतना गहरा संबंध है? बाबा, एक ही तो है वो जिससे हमारे ग्वाल बालों का जीवन पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है, गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत? हाँ ब्रजवासियों, गोवर्धन पर्वत के बिना ब्रज मंडल में जीवन की कल्पना करना असंभव है। इसलिए यदि हम ग्वालों के जीवन के कोई देवता हो सकते हैं, तो वो केवल और केवल गोवर्धन पर्वत हो सकते हैं। इसलिए हमें इंद्रदेव की नहीं, अभी तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। कान्हा, तुमने सत्य कहा, हमने आज तक गोवर्धन पर्वत के इस महत्व को कभी नहीं जाना, उनके इस परोपकार पर कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए तो ये अवसर हमने कान्हा को दिया था काका। हाँ राधा, इसलिए आज ये निश्चित हो गया है, आज के पश्चात इस ब्रजमंडल में पर्वतराज गोवर्धन की ही पूजा होगी। तो बोलिए, पर्वतराज गोवर्धन की जय! ब्रज के देवता गोवर्धन पर्वत की जय! अब देवराज के स्थान पर एक पर्वत की पूजा होगी, एक श्रापित गोवर्धन पर्वत की पूजा। कितने दुर्भाग्यशाली हो तुम सभी ब्रजवासियों, इसका दंड तुम्हें भुगतना होगा। ब्रजवासियों, सेनापति समर्थक मेरे समक्ष आओ। मैया को क्या हुआ? वो यहाँ से ऐसे चुपचाप क्यों जा रही है? कहीं वो मुझसे रुष्ट तो नहीं हो गई? हे प्रभु, आज आपने एक रूढ़िवादी परंपरा को खंडित कर एक नवीन परंपरा की स्थापना की, जिस कार्य को युगों में नहीं किया जा सका, आज आपने उसे बड़ी सरलता से स्थापित कर दिया। आज आपके कारण भय के ऊपर भक्ति की जीत हुई है, पद के स्थान पर कर्म की श्रेष्ठता की स्थापना हुई है, अहंकार के स्थान पर धर्म के सच्चे स्वरूप की स्थापना हुई है। आप धन्य हैं प्रभु, और धन्य है आपका ये कर्मयोग। मैया, क्या आप मुझसे रुष्ट हैं? मैया,
भला मैं क्यों तुमसे रुष्ट होने लगी? तो फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही मैया? बात कर तो रही हूँ, और कैसे करूँ तुमसे बात? जैसे सदैव करती हो, मुस्कुरा कर। बोलो ना मैया, क्या बात है? जब सभी ब्रजवासी इतने प्रसन्न हैं, तब आप किस बात से दुखी हो रही है? लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो, बड़ी बड़ी बातें भी करने लगे हो, और बड़े बड़े लोग तुम्हारी बातें मानने भी लगे हैं, फिर तुम्हें क्या आवश्यकता है अपने मैया को मनाने की? मैया, पर मैं जो भी करता हूँ सब आप ही के कारण तो करता हूँ। मैं जो भी बोलता हूँ सब आप ही से तो सुनता हूँ। पर लोग चाहे मुझे जो भी माने, पर मैं हूँ तो आपका लल्ला ही ना। ये भावुक बातें करके अपनी मैया को मत रुलाओ कान्हा। आप क्यों इतनी चिंतित है, क्यों इतनी दुखी है? क्योंकि मैं सब कुछ देख सकता हूँ, पर अपनी मैया की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम नहीं समझ सकते लल्ला। यदि अपनी मैया की बात कान्हा नहीं समझ सकता, तो फिर कौन समझ सकता है? बोलिए ना मैया, क्या गोवर्धन पूजा के निर्णय से प्रसन्न नहीं है? क्या आपको यह निर्णय अनुचित लगता है? मेरे लल्ला के जिस निर्णय को पूरा ब्रजमंडल मान रहा हो, वो भला अनुचित कैसे हो सकता है? तो फिर आपकी इस चिंता का कारण क्या है मैया? इंद्र देवाधिपति है, हम मनुष्य तो अपना दुख सहन कर सकते हैं, अपने दुख पर नियंत्रण रख सकते हैं, पर देवराज इंद्र का क्रोध जब भी हम पर टूटेगा, महाप्रलय बनकर टूटेगा। मैया, तो इसलिए आप इतने चिंतित हैं? मैया, आप ही कहती है ना कि कोई भी अधर्म धर्म का अहित नहीं कर सकता, फिर इंद्रदेव हमारा अहित कैसे कर सकते हैं? लल्ला, असुरों की बात और है, पर इंद्रदेव के पास वज्र की शक्ति है। यदि क्रोध में आकर उन्होंने अपना वज्र तुम पर, मैया, पर इंद्रदेव ने तो अपने वज्र का प्रयोग हनुमान जी पर भी किया था। हाँ लल्ला, और हनुमान जी तक अचेत हो गए थे। मैया, अब आप भी ये बताइए कि हनुमान जी किसकी शक्ति से ठीक हुए थे? किसकी? लो, आप ही ने मुझे हनुमान जी की कथा सुनाई थी, और आप ही भूल गई। हनुमान जी को जीवन शक्ति मिली थी माता अंजना की ममता से। माता अंजना के प्रेम के सम्मुख सभी देवों की हार हुई थी। फिर सभी देवों को हनुमान जी को अपनी शक्ति देनी पड़ी थी। हाँ, वो तो ठीक है, पर लल्ला, तुम कहना क्या चाहते हो? केवल ये मैया कि जब तक मेरी मैया के प्रेम की शक्ति है, तब तक मेरा कोई हित नहीं कर सकता, ना कंस के असुर और ना ही इंद्रदेव का वज्र। बातों में तो तुमसे कोई भी नहीं जीत सकता लल्ला। आखिर मैं लल्ला किसका हूँ? अपनी मैया का। और मेरी मैया ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मात्र देवो भव मैया यशोदा, आप स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान श्री कृष्ण की माता, पर संसार की हर माता अपने पुत्र के लिए ईश्वर समान होती है। माता अपनी ममता और अपने प्रेम के कारण अपने पुत्र को एक क्षण के लिए भी दुख में नहीं देख सकती, अपने पुत्र के तनिक कष्ट को भी सहन नहीं कर पाती। पर यह भी परम सत्य है कि माँ का मातृत्व उसके पुत्र के लिए वो कवच जिसे ना तो इंद्र ना इंद्र का वज्र कभी भेद सकता है। सेनापति समर्थक, आओ तुम। इंद्रदेव, कुछ भी करने से पूर्व एक बार पुनः विचार कर लीजिए। विचार तो आप कान्हा को करना होगा,
अपने निर्णय को बदलने का विचार। देवराज ये मत भूलिए कि कान्हा साक्षात भगवान विष्णु के अवतार है। हाँ देवराज, और वैसे भी कान्हा ने इंद्रयज्ञ का विरोध किया है, आपकी पूजा का विरोध किया है, आपका नहीं। दोनों एक ही बात है अग्निदेव। देवराज फिर भी हम देवों का तो यही मत है कि आपको एक बार प्रभु कान्हा से बात करनी चाहिए। हाँ देवराज, क्योंकि यदि कान्हा इंद्र पूजा के साथ साथ इंद्र विरोधी भी हो गए तो समस्या और बढ़ सकती है। तो देवगण, आप ये चाहते हो कि देवराज इंद्र जाकर एक बालक से विचार विमर्श करे, ये चाहते हैं आप सभी? देवराज वो सिर्फ एक बालक नहीं है। हाँ मैं जानता हूं, वो भगवान विष्णु का अवतार है, किंतु इस समय वो मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं और उन्हें साधारण मनुष्यों के समान हम देवताओं का सम्मान करना होगा, जो कि वो पूर्ण रूप से भूल गए हैं। और अब मुझे मानव अवतार कान्हा को दिखाना होगा कि हम देवताओं की शक्ति क्या है। कान्हा को दिखाना होगा कि देवराज इंद्र की शक्ति क्या है। देव सेनापति समर्थक,